Subscribe and press the bell icon for latest update. आज हम आपको एक खबर से रूबरू कराएंगे जो कि है हर्निया की, यानी हर्निया की सर्जरी के लिए एक नई तकनीकी का इजाद हुआ है और ये तकनीकी इजाद किए हैं राजधानी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक मनीष कुमार गुप्ता ने, जो हर्निया की सर्जरी के लिए नई तकनीक ढूंढ कर निकाली है। ये तकनीक न केवल सस्ती है बल्कि केवल 5 mm के 3 की होल बनाकर यह सर्जरी की जा सकती है। अब तक इस तकनीकी की मदद से 100 से ज्यादा सर्जरियां की जा चुकी हैं। डॉक्टर मनीष ने सर्जरी की इस नई तकनीकी को 555 मनीष टेक्निक नाम दिया है और उन्होंने बताया कि ग्रोइन हर्निया की सर्जरी के लिए पहले ओपन सर्जरी की जाती थी, बाद में लेप्रोस्की यानी कि दूरबीन की मदद से सर्जरी की जाने लगी। अब तक की जाने वाली सर्जरी में चौड़े हसन ट्रोकार का इस्तेमाल करते हुए हर्निया तक पहुंचा जा सकता था। हसन ट्रोकार के लिए नाभि के नीचे 1.5 से 2 सेंटीमीटर का कट लगाया जाता था और डॉक्टर मनीष ने कहा कि बड़े चीरे की वजह से ऊतकों को ज्यादा नुकसान होता था, साथ ही चीरा बड़ा होने के कारण संक्रमण की आशंका अधिक होती है। बड़े चीरे के कारण मरीज को दर्द अधिक होता है और नाभि के नीचे बड़ा निशान आ जाता है। उन्होंने यह भी कहा, चिकित्सक मनीष ने 2 mm की सीरीज से डिटेक्टर बनाया है जिसकी मदद से 5 mm के चीरे से 5 mm के ट्रोकोर को पेट की सतह तक डालना संभव हुआ है। सर्जन केवल 2 मिनट में सर्जरी पॉइंट तक पहुंच जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि नई तकनीकी से 3-5 mm के छिद्रों से ग्रोइन हर्निया का सफल ऑपरेशन किया जाता है और मनीष के साथ ये 5 mm के ट्रोकर में मेश यानी जाली डालने की तकनीकी भी इजाद की गई है। इससे हर्निया दोबारा होने की संभावना 1% से भी कम हो जाती है। इस प्रक्रिया में पेट की दीवार में टांके नहीं लगाने पड़ते, जबकि पुरानी प्रक्रिया में हसन ट्रोकर को चौड़े कोण डालने के कारण पेट की भीतरी दीवार में टांके लगाने पड़ते थे। इस नई तकनीकी में छोटे चीरे लगाने से दर्द कम होता है, वहीं संक्रमण की आशंका भी कम होती है और निशान भी बहुत कम आता है, जो कि महिलाओं के लिए उपयुक्त है। इस तकनीकी को दुनिया भर के चिकित्सकों ने स्वीकार किया और वे भी इस तकनीकी को अपनाएंगे। चिकित्सक ने कहा कि हर्निया कई प्रकार की होती हैं, इसमें से 50% ग्रोइन हर्निया होती है जो पॉकेट एरिया में बनता है। इसके लिए नाभि के नीचे छेद कर सर्जरी की जाती है। इस तकनीकी में सर्जरी काफी सफल और आसान हो गई। पुरानी तकनीकी में 12 mm का एक छेद किया जाता था और फिर 2 5-5 mm के छेद किए जाते थे। अब तक इस्तेमाल होने वाले हसन ट्रोकर को सर्जरी पॉइंट तक पहुंचने में 8 से 10 मिनट लगते थे और ट्रोकर को ट्रैक देखना भी संभव नहीं है। नई तकनीकी में केवल 5 mm के 3 छेद किए जाते हैं, जिसमें 555 मनीष तकनीकी का नाम दिया गया है। इसमें सर्जन अंदर ट्रैक देख सकता है और इस तकनीकी से सर्जन केवल 2 मिनट में सर्जरी पॉइंट तक पहुंच जाता है, जो कि ये बेहद ही अच्छा है। अगर आप भी इस बीमारी से पीड़ित हैं या तो फिर आपके जान पहचान में कोई पीड़ित है तो आप इस तकनीकी का इस्तेमाल करवा सकती हैं और ये तकनीकी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। साथ ही अगर आपको इस तकनीकी यानी हर्निया के रोगी को दूसरी तकनीकी या तो कहें आयुर्वेद से भी बचना है तो उसके लिए आपको हमारे चैनल पर इसकी भी आपको निजात करने के नुस्खे मिल जाएंगे, जो कि सहज और सरल होंगे, आसान होंगे। क्योरेन हेल्थ डेस्क की रिपोर्ट। Subscribe and press the bell icon for latest updates.